अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल मॉडर्न विंग्स। आई होप यू विल बी फाइन। इसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। लेट्स गो द सेकंड स्टेप ऑफ पेडिक्योर, दैट इज शेप योर नेल्स एंड रिमूव द डेड स्किन फ्रॉम योर फीट। सो सबसे पहले आप लोगों को इसमें नेल क्लिपर की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को नेल क्लिपर चाहिए होगा ताकि आप लोग अपने नेल को अपनी पसंद के मुताबिक शेप दें। सो सेकंड स्टेप में सेकंड चीज जिसकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी वो है क्यूटिकल स्टिक। आप लोग क्यूटिकल स्टिक की हेल्प से अपने क्यूटिकल्स और अपने नेल के अंदर से तमाम डेड स्किन को रिमूव करें और इसको अच्छे तरीके से नीट करें। इसके बाद आप लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है क्यूटिकल ट्रिमिंग। आप लोग क्यूटिकल ट्रिमिंग की हेल्प से अपने नेल की साइड्स पे डेड स्किन को कट कर दें ताकि इसकी जगह नई स्किन आ सके। यहाँ मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के पास क्यूटिकल स्टिक और क्यूटिकल ट्रिमिंग मौजूद नहीं है तो आप लोग एक सिंपल नेल क्लिपर से भी ये सारे काम इजिली कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बफिंग पैड की जरूरत होगी। बफिंग पैड अपने पाओ के नेल्स के ऊपर अच्छे तरीके से फेर दीजिए। इससे आप लोगों के पाओ के नेल्स स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास बफिंग पैड मौजूद नहीं है तो फुट क्रीम का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने फुट ब्रश ले लेना है। अगर आप लोगों के पास फुट ब्रश मौजूद नहीं है तो घर में कोई भी ब्रश जो आप लोग यूज करते हैं वो ले लीजिए और आप लोग अपने पाओ की एड़ियों के ऊपर, इसके नेल के ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर अच्छे तरीके से इसको रगड़े ताकि यहाँ की डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए और सन टैन भी रिमूव हो जाए। नेल्स की ट्रिमिंग और डेड स्किन रिमूव करने के बाद दोबारा से आप लोगों को गर्म पानी चाहिए होगा। इस गर्म पानी के अंदर 5 मिनट के लिए अपने पांव दोबारा से डिप करके रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डेट इज स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हम लोगों को जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है उसमें चाहिए होगी हम लोगों को शुगर यानी कि चीनी। 2 चम्मच आप लोगों को चीनी चाहिए होगी और 2 ही चम्मच आप लोगों को लेमन जूस चाहिए होगा। इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स करने के बाद आप लोग अपने पाओ के ऊपर इसको अप्लाई करें, अच्छे तरीके से इसकी स्क्रबिंग करें तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए। लेमन जूस में नेचुरली विटामिन सी होते हैं जो कि आप लोगों की स्किन को 1 टोन में लेके आती है, आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करती है, साथ में डेड स्किन को रिमूव भी करती है। शुगर इज एक्सफोलिएटर जो कि डेड स्किन को रिमूव करते हैं, पोर्स को क्लोज करते हैं और स्किन को लाइटन बनाती है। 5 मिनट स्क्रबिंग के बाद अपने पाओ को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और इसको एक नीट एंड क्लीन टॉवल के साथ अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिए। अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद आप लोगों को चाहिए होगी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि आप लोगों के घर में अवेल है, कोई भी लोशन ले लीजिए। उसके जरिए से आप लोगों ने अपने पाओ को मॉइस्चराइज करना है। आप लोग अपने पाओ की एड़ियों के ऊपर, नेल के ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएं और अपने पाओ को मॉइस्चराइज करें और 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद ऑलमोस्ट आप लोगों का पेडिक्योर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी कोई भी पसंद के मुताबिक नेल पेंट ले लेनी है और उसके अपने नेल के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अपने पाओ को खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और स्मूथ बनाने के लिए और डेड सेल रिमूव करने के लिए आप लोगों को वीक में एक दफा अपने पाओ को पेडिक्योर जरूर करना चाहिए।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल मॉडर्न विंग्स को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। सो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।